प्रोटीन क्या है, ये हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, ये कितने प्रकार का होता है, इससे रोग कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन बताया गया है कि प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो इन चारों तत्वों से मिलकर बना होता है, और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है। कुछ प्रोटीन होते हैं जिसमें फास्फोरस और तांबा, अन्य तत्वों की मात्रा उपस्थित होती है। ग्रीक भाषा से प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के प्रोटियो शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के प्रोटियो शब्द से लिया गया है। सन 1838 में एक प्रसिद्ध रसायनिक थे मुल्डर, जिन्होंने इस प्रोटीन की खोज की और जे वर्डीरियस ने इसको नाम दिया। अब ये ऑप्शन में कभी जो है मुल्डर का नाम आ सकता है, कभी जे वर्डीरियस का नाम आ सकता है, ज्यादातर जे वर्डीरियस का नाम ही आता है कि प्रोटीन के बारे में, इन्होंने ही इसे प्रोटीन का नाम दिया था। खोज इसने की थी, इन्होंने की थी मुल्डर ने, लेकिन नाम जो है वर्डीरियस ने दिया था, इसलिए इन्हीं का नाम जो है ज्यादातर आता है, लेकिन मुल्डर का नाम भी अगर ऑप्शन में है तो ये भी सही है। आगे हम देखते हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, और प्रोटीन अगर देखा जाए शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा जो होता है वो जल का होता है। जल के बाद अगर दूसरा स्थान देखा जाए तो प्रोटीन का स्थान होता है। प्रोटीन से ही शरीर के निर्माण का कार्य शुरू होता है। एक छोटा जीव जब निर्मित होता है तो उसका शुरुआत प्रोटीन से ही होता है। तो प्रोटीन जल के बाद हमारे लिए अधिक आवश्यक तत्व तो है, और सबसे अधिक मात्रा जो इसके शरीर में होती है। उसके बाद है प्रोटीन जो है, प्रोटीन में क्षारीयता और अम्लीयता कितनी होती है, इनमें क्षारीयता और अम्लीयता दोनों पाया जाता है। कार्बोक्सिल समूह जो होता है प्रोटीन में वो अम्लीय होता है, और जो आपका अमीनो एसिड समूह होता है वो क्षारीय होता है। अमीनो एसिड समूह जो होता है वो क्षारीय होता है, कार्बोक्सिल समूह जो होता है वो अम्लीय होता है। इन दोनों तत्वों से मिलकर प्रोटीन निर्मित होती है। मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 20 प्रकार के प्रोटीन में 10 प्रकार की प्रोटीन शरीर जो है स्वयं निर्मित कर लेता है, और 10 प्रकार की प्रोटीन को भोजन से लिया जाता है। और प्रोटीन में जो है अमीनो एसिड जो होता है, छोटी इकाई, उसमें 20 में से कुछ जो है बहुत आवश्यक होते हैं, कुछ कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होते हैं। तो आगे हम ये समझ गए हैं संभवतः कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है, इसके बारे में जानकारी हो गई है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के प्रकार में देखेंगे कि प्रोटीन जो रसायनों के, मतलब रसायनों के संगठन से बनी होती है, रासायनिक संरचना निर्मित होती है, वो प्रोटीन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला आपका है साधारण प्रोटीन, दूसरा आपका है संयुग्मी प्रोटीन, और
और तीसरा आपका है जो उत्पन्न होती है, तो रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है साधारण प्रोटीन, दूसरा संयुग्मी, तीसरा बहुस्तर। जो साधारण प्रोटीन होता है वो उसमें जो है अमीनो एसिड मुख्य रूप से उपस्थित होता है, जैसे हम अंडे की एल्बुमिन, अंडे की एल्बुमिन और रक्त ग्लोबिन, ये सब जो प्रोटीन है इसमें अमीनो एसिड उपस्थित होता है, बाकी सब मुख्य रूप से ज्यादा उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम साधारण प्रोटीन कहते हैं। साथ होता है एक ही चीज अमीनो एसिड ही इसमें उपस्थित होता है। और दूसरी प्रोटीन जो है आपकी संयुग्मी प्रोटीन, नाम से ये स्पष्ट है कि ये अकेली नहीं है, इसमें कुछ और भी है। तो इसमें जो है ग्लोबिन, यानी ब्लड में जो ग्लोबिन पाया जाता है, तो इसमें लोहा भी होता है। जब इसमें लोहा हो जाता है क्या, मतलब पहले तो ग्लोबिन होता है, लेकिन जब जो है आयरन भी इसमें मिल जाता है तो ये संयुग्मी प्रोटीन हो जाता है, तो हो जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और है आपका फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन संयुग्मी में है, तो फास्फोप्रोटीन में क्या है, प्रोटीन का साथ फास्फोरस भी उपस्थित होता है। एक आपका है संयुग्मी में लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन में क्या है, ये लाइपो क्या है आपका, वसा है, प्रोटीन के साथ वसा भी उपस्थित है इसमें। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन के साथ आपका ग्लाइकोजन भी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन, फास्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपके संयुग्मी के उदाहरण है, यानी ये संयुग्मी प्रोटीन है, ये अकेले नहीं है, इसमें अन्य तत्व भी शामिल है। और आपका ग्लोबिन है, एल्बुमिन है, और इसके अलावा हम क्रिएटिन ले लेते हैं, त्वचा और बाल की प्रोटीन, और उसका मक्के का जीन है, ये सब जो है आपका साधारण प्रोटीन में आता है। नेक्स्ट आपका है व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन जो है वो जो है आपके जलीय अपघटन से बनता है, प्राकृतिक प्रोटीन की जलीय अपघटन से बनता है जो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं प्रोटीओसेस है, पेप्टोन है, प्रोटीओसेस, पेप्टोन, ये सब प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है जो कि शरीर में जलीय अपघटन से बनते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रोटीन का प्रकार हो गया कि प्रोटीन मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, रासायनिक संगठन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं प्रोटीन। आगे हम देखेंगे प्रोटीन के कार्य क्या है, हमारे शरीर में प्रोटीन क्या कार्य करता है, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य में देख सकते हैं कि जब एक जीव का निर्माण होता है तो प्रोटीन से ही शुरुआत होता है, प्रोटीन से ही जीव निर्मित होता है। तो सबसे पहले हम क्या नाम दे सकते हैं कि ये निर्माण कार्य करता है, शरीर का निर्माण करता है, प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करता है। और क्या करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, यानी टूट फूट से मतलब है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की
मरम्मत करता है। और क्या करता है प्रोटीन? प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन में भी सहायक है, ऊर्जा उत्पादन में भी सहायक है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रोटीन से 10 से 15% प्रोटीन ऊर्जा के रूप में लेना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को 10 से 15% प्रोटीन ऊर्जा के रूप में लेना चाहिए। ये कुछ शरीर के कुछ मुख्य यौगिक हैं, इंसुलिन मुख्य यौगिक